उनका रक्षक उनका इंतजार कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं क्या इनके गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। बुरे वक्त में अंधा भी आसमान की तरफ देखता है, लेकिन तिनका भी उसी डूबने वाले को सहारा देता है जो उस तक पहुंचने का साहस रखता है। उन्हें रोशनी की तलाश थी, अपने जीवन के अंधेरों को दूर करने की। तेरा नसीब इन हाथों की लकीरों में नहीं, इस मुट्ठी में है। अपने अंदर के हुनर को पहचान, काट डाल इन सालों को गाजर मूली की तरह। निखिल आडवाणी ने चांदनी चौक टू चाइना के बारे में बात की, जो दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार जैसे कलाकारों के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अपनी समीक्षकों द्वारा सफल फिल्म कल हो ना हो के बाद निखिल आडवाणी ने चांदनी चौक टू चाइना का निर्देशन किया, जिसे हॉलीवुड की प्रमुख प्रोडक्शन कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स ने सह निर्मित किया था। ये देखते हुए कि यह स्टूडियो का हिंदी सिनेमा में पहला प्रयास था, ये भारत में उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस नुकसान ने देश में हॉलीवुड स्टूडियो की संभावनाओं के अलावा निखिल के पेशेवर जीवन पर भी असर डाला। निखिल आडवाणी ने कहा, अक्षय कुमार को मुझ पर भरोसा था। फिल्म कंपेनियन से बातचीत में निखिल ने फिल्म की असफलता के बाद के कठिन दौर के बारे में बात की। निर्देशक ने कहा, रोहन सिप्पी निर्माता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे चांदनी चौक टू चाइना करने के लिए कहा, मैंने झट से फिल्म कर ली। मुझे पहले एक्शन का आइडिया नहीं था, मैंने वॉर्नर ब्रदर्स को बंद कर दिया। यह एक मूर्खतापूर्ण गलती थी। मैंने जो मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए वे मूर्खतापूर्ण थे। उन्होंने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि अभिनेता ने इस मुश्किल समय में उनका साथ दिया और उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए प्रेरित किया। निखिल ने कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस दिन चांदनी चौक टू चाइना फ्लॉप हुई, उस दिन अक्षय कुमार ने मुझे फ़ोन किया और मैं उनके घर गया और मैं व्याकुल था, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मेरा करियर खत्म हो गया है। और उन्होंने कहा, तुम अगली फिल्म कब शुरू कर रहे हो, क्योंकि हमें अगली फिल्म शुरू करनी चाहिए। एक फिल्म निर्माता के तौर पर उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था। निखिल आडवाणी ने अपनी बहन मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी के साथ मिलकर मनोरंजन कंपनी एमए एंटरटेनमेंट की स्थापना की। उन्होंने सईद मिर्जा, कुंदन शाह और सुधीर मिश्रा जैसे आर्ट हाउस फिल्म निर्माताओं के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर के पिता दिवंगत यश जौहर और यशराज फिल्म्स के लिए काम किया। उन्होंने करण जौहर की पहली दो फिल्मों कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम के लिए सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। आडवाणी ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कल हो ना हो के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, उसके बाद एक्शन कॉमेडी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में काम किया।